गाइस वेलकम टू माय चैनल आयुष व्लॉग्स और आज का वीडियो है ड्यूलियंस एग्जिस्ट एपिसोड 4 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा द एंशिएंट मिस्ट्रीज। आज के मेरे इस एपिसोड में भी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा के ये प्रूफ करने की कोशिश करूँगा कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और इस एपिसोड की जो इमेजेस रहेंगी ये कुछ एंशिएंट स्टैचूज या फिर एंशिएंट पेंटिंग्स के बारे में रहेंगे और मैं आपको उसके इंफॉर्मेशन दूंगा और उसमें एलियंस कहाँ पे दिख रहे हैं, एलियन के प्रूफ्स ये सब बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट इमेज है ये पेंटिंग है द फाउंडेशन ऑफ सांता मारिया मैग्योर और ये पेंटिंग बनाया था मासोलिनो द पेनिकेल ने। आप इस इमेज में देख ही सकते हैं कि कैसे जीसस क्राइस्ट, शायद से ये जीसस क्राइस्ट है और उनके पास में शायद उनकी कोई फॉलोअर है, वो दोनों एक स्पेसशिप जैसे एक प्लेटर शेप के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सर्कुलर चीज के अंदर दिख रहे हैं और उनके नीचे काफ़ी सारे यूएफओ टाइप के प्लेटर्स दिख रहे हैं, फ्लाइंग प्लेटर्स, और आप देख सकते हैं कि वो आसमान में उड़ रहे हैं और नीचे लोग नीचे झुके हुए हैं। ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? कहीं ये यूएफओ की तरफ तो इशारा नहीं है। ये हो भी सकता है कि शायद से जो इनके क्रिएटर है मासोलिनो द पेनिकेल, ये हमें ये दिखाना चाहते हैं कि यूएफओज एग्जिस्ट करते हैं और यूएफओ एग्जिस्ट करेंगे तो एलियंस भी एग्जिस्ट करेंगे। हमारा सेकंड इमेज है ये। इस पेंटिंग का नाम है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट और इसे बनाया था लियोनार्डो दि विंची ने। आप इस इमेज में देख ही सकते हैं कि ये जो इंसान है ये सेंट जॉन द बैप्टिस्ट है, अपने हाथ में पकड़े हुए या फिर उनके पीछे एक क्रॉस है और वो आसमान की तरफ इशारा कर रहे हैं। और हमारे इस नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि बीच में एक एलियन दिख रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये इमेज तो था नेट वेब पे सर्च किया हुआ, लेकिन ये वाला इमेज जो है इसे मैंने खुद जो मैंने आपको फर्स्ट फोटो दिखाया उसी को रिवर्स करके बनाया है और आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एलियन दिख रहा है। तो क्या लियोनार्डो दा विंची हमें ये दिखाना चाह रहे थे कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? हमारा थर्ड इमेज बहुत ही फेमस है और उसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, वो है मोनालिसा। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल मोनालिसा की पेंटिंग है और इस सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग के बीच में दोनों साइड को जब ऑपोजिट करके लगाया गया तो बीच में दिख रहा है एक एलियन का इमेज। ये तो रहा वेब से सर्च किया इमेज और ये सेकेंड इमेज है मेरा खुद का एडिट किया हुआ इमेज। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि एक एलियन टाइप का फिगर विजिबल है। तो ये भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था मोनालिसा को भी। तो पहला जॉन द बैप्टिस्ट और सेकेंड मोनालिसा, इन दोनों ही इमेज में हमें एलियंस दिख रहा है। तो क्या लियोनार्डो दा विंची ने एलियंस को देखा था या फिर वो हमें उनके बारे में बताना चाह रहे हैं? हमारा फोर्थ और लास्ट इमेज है ये है नाजका लाइंस में से एक फिगर का इमेज। नाजका लाइंस एक बहुत सारे ड्राइंग्स मींस पेरू के एक डेजर्ट के बीच में, डेजर्ट नहीं, हाँ डेजर्ट ही बोल सकते हैं, मुझे एक छोटे डेजर्ट के बीच में कई सारे पेंटिंग्स मिले जो हम काफ़ी हाइट पे जाने के बाद देख सकते हैं। नाजका लाइंस एक स्पेसिफिक जगह का नाम दिया गया है जो कि पेरू में है और नाजका लाइंस में से ये एक पेंटिंग है, एक इमेज है जिसमें आप देख ही सकते हैं कि दो बड़ी आंखें हैं इस फिगर की, एक बॉडी और दो हाथ दो पैर एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह, लेकिन इसका फेस कुछ अलग से और बॉडी भी थोड़े अलग से है, ये भी कुछ एलियन से मैच कर रहा है। तो हमें इन सारी इमेजेस से ये चीज़ जरूर पता चल रहा है कि एंशिएंट टाइम्स में एलियंस एग्जिस्ट करते थे और एंशिएंट टाइम्स में ही नहीं अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। आप मेरे पहले के 3 एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एलियंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मेरे बाकी तीनों वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और हमारा वीडियो यही एंड होता है। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।